हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पूनम कुमावत, और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम लोगों ने डेवलपमेंट करना था एंडोस्पर्म का, जो कि ट्रिपल फ्यूजन से फॉर्म होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखा, जिसके अंदर तीन तरह के एंडोस्पर्म टाइप देखे थे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हलोबियल एंडोस्पर्म। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है कैप्सेला के अंदर, सारी जो फ्लावरिंग प्लांट के सारे इवेंट्स हैं, सेक्सुअल इवेंट्स, वो हम कैप्सेला के अंदर पढ़ रहे हैं। तो जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन कैप्सेला, ठीक है, सबसे पहले हम कैप्सेला में देखेंगे कि किसने डिस्कवर किया, वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो आंसर आता है हमारे पास हेंस्टीन ने। किसने डिस्कवर किया था? हेंस्टीन ने डिस्कवर किया था। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि जो एंडोस्पर्म है, सॉरी एम्ब्रियो है, उसका डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियो सैक के किस एंड पे होता है। क्योंकि एक एम्ब्रियो सैक की बात करें तो हमें पता है जो एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के दो एंड हमें देखने को मिल रहे हैं, एक तो चेलेजल पोर होता है और एक जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड होता है। ठीक है, चेलेजल एंड होता है और एक माइक्रोपाइलर एंड होता है। ठीक है, तो हमें पता है एक तो ट्रिपल एंड क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म, ठीक है, और एक हमारे सामने यहाँ पे क्या बनता है, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ जायगोट बनता है। ठीक है, तो ये जायगोट जो होता है वो कौन से एंड की तरफ है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। तो यहाँ पे क्लियर है ये चीज़ कि जो एंडोस्पर्म है, यानी कि सॉरी एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, डेवलप्स एट दी माइक्रोपाइलर एंड ऑफ दी एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक के कौन से रीजन की तरफ होता है, माइक्रोपाइलर, क्योंकि वहीं पे ही जायगोट क्या होता है, सिचुएटेड होता है। अब क्या होता है, मोस्ट जायगोट के अंदर डिवीजन होता है आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है कि जो एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो ट्रिपल फ्यूजन है, यानी कि एंडोस्पर्म जब बन जाता है, उसका मोस्ट ऑफ अमाउंट जब एंडोस्पर्म का बन जाता है, एंडोस्पर्म का, देन जो ये जायगोट है इसके अंदर क्या स्टार्ट होता है, स्टार्ट डिवीजन। सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि मोस्ट जायगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ठीक है, दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड अश्योर नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये चीज किसके लिए होता है, ये क्या है, एक अडेप्टेशन होता है, दिस इज एन अडेप्टेशन। ठीक है, जिससे इस चीज की श्योरिटी हो जाती है कि सफिशियंट अमाउंट में न्यूट्रिशन बन चुका है, किसके लिए, एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, क्योंकि एंडोस्पर्म से हमें पता है क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट की फिनोमिना है वो किस तरीके से होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि सबसे पहले जो डेवलपमेंट देख रहे हैं वो किसके अंदर देख रहे हैं, डाइकोट एम्ब्रियो में। डाइकोट एम्ब्रियो में हम अगर डेवलपमेंट के डिस्कशन करें तो वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने आता है, डेवलपमेंट की जो फिनोमिना है वो। तो हम स्टार्ट करते हैं जायगोट से। तो सपोज देन ये हमारे सामने क्या है, जायगोट। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर की कहानी चल रही है, माइक्रोपाइल रीजन की तरफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे सामने क्या है, एक जायगोट है। ऑल्दो एनसीईआरटी के अंदर भी इसको मेंशन किया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर जायगोट डेवलपमेंट शो किया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो जायगोट है वो बेसिकली टू एन स्ट्रक्चर होती है, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है, कौन सा, माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो एक से दो सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो अपर की साइड में सेल बनती है, इस सेल को तो हम कौन सी सेल बोलते हैं, हमारे सामने जो सेल यहाँ पे फॉर्म होती है, एक एपिकल सेल होती है और एक बेसल सेल हमारे सामने रहती है। ठीक है, तो ये कौन सी है, एपिकल सेल, और ये जो सेल होती है ये कौन सी है, बेसल सेल। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट आगे माइटोसिस डिवीजन परफॉर्म होता है, जिससे क्या होता है कि जो यहाँ पे माइटोसिस एंटीक्लिनल और ट्रांसवर्स दोनों केस के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेल्स तो जो है वो इस तरीके से फॉर्म होती है और बाकी की जो दो सेल्स होती हैं वो इस तरीके से फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर सेल स्टेज हमारे सामने प्रो एम्ब्रियो की देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके अंदर आप यूँ समझ लो जो लास्ट वाली सेल होती है ना वो थोड़ी सी बड़ी होती है। इसको हम थोड़ा सही करके देखें तो कुछ इस तरीके से आता है, यानी कि ये वाली सेल छोटी होती है और ये वाली सेल थोड़ी सी बड़ी रहती है, जो बेसल सेल होती है वो। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये तो है हमारी कौन सी, बेसल सेल्स। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट है वो कौन सी है, एपिकल सेल, एपिकल सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास एम्ब्रियो आ रहा है वो कैसा है, फोर सेल्ड प्रो एम्ब्रियो है। ठीक है, क्योंकि दो एपिकल और दो बेसल हमारे सामने बनी हुई है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट डायग्राम रहता है उसके अंदर हम देखोगे कि फिर से माइटोसिस डिवीजन होता है। डिवीजन तो कौन सा चलेगा, माइटोसिस चलेगा। देन आप देखते हो कि यहाँ पे एक जो एपिकल सेल्स होती है उनके अंदर कंटिन्यूसली डिवीजन होता है और इस तरीके से सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और नीचे जो सेल्स होती हैं उनके अंदर भी डिवीजन होता है और कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे तो आपके सामने ये एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, काफ़ी सारी सेल्स यहाँ पे क्या हो रही होती है, बनी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चार सेल्स बन रही है, तो टेट्राड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं एम्ब्रियो की, क्योंकि अपर साइड में जो सेल्स होती हैं यानी कि ये एपिकल सेल से बनी होती है, तो हम इनको एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं, और ये कितनी हैं, चार। और बाकी की जो सेल्स होती हैं वो बेसल सेल्स होती है, और बेसल सेल्स के अंदर ये जो सेल्स होती हैं इनको तो हम सस्पेंसर बोला जाता है, और जो लार्जेस्ट या स्वेलअप लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्टोरियल सेल के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है वो टेट्राड स्ट्रक्चर है, किसकी, एम्ब्रियो की, या टेट्राड स्टेज है एम्ब्रियो की। उसके बाद आप देखोगे कि कंटिन्यूसली डिवीजन होगा, फिर वापस से डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस का डिवीजन होगा, और जो माइटोसिस है उसके अंदर आप देखोगे कि इस तरीके से आठ सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। टोटल कितनी, ये एट सेल यहाँ पे क्या होगी, ऑक्टेट स्ट्रक्चर बोला जाता है, और यहाँ पे इस तरीके से हमारे सामने क्या है, स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो ये तो सस्पेंसर सेल होगी, और ये
पोस्टोरियल सेल है, और यहाँ पे ये जो है ऑक्टेट एम्ब्रियो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्टेट एम्ब्रियो के बाद फिर हम देखते हैं कि जो हमारे सामने नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आती है, फिर से हमें जो डिवीज़न देखने को मिलता है वो कौन सा है, माइटोसिस डिवीज़न होती है। और इस तरीके से माइटोसिस डिवीज़न क्या है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो फिर हमारे सामने जो एक एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर हमारे सामने बन के आती है वो एक ग्लोबुलर फॉर्म में आती है, जिसके अंदर हमें बहुत सारी जो सेल्स है एम्ब्रियो की देखने को मिलती है इस तरीके से, ठीक है। काफ़ी सारी सेल्स यहाँ पे बनती है, और नीचे की साइड में हमारे सामने इस तरीके से बहुत सारा सस्पेंसर सेल और एक हॉस्टल सेल जो है वो फॉर्म हो रही होती है इस तरीके से, ये हॉस्टल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये हमारे लिए एज ए ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहलाता है, ठीक है। इस एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर। ये जो एम्ब्रियो है इसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है। और ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद आप देखोगे जो डिवीज़न हो रहा है वापस से कंटिन्यूसली कौन सा चल रहा है, माइटोसिस डिवीज़न चल रहा होता है। देन आप देखते हो कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड होती हैं, देन जो एम्ब्रियो की जो सेल्स है वो इस तरीके से क्या बनाती है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पे एक हाइपोफाइसिस सेल्स होती है, और बाकी की जो सेल्स होती है वो कौन सी है, सस्पेंसर सेल के फॉर्म में हम इनको कंसिडर करते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो ये एम्ब्रियो बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट शेप एम्ब्रियो के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियो है वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद में हमारे पास क्या आता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है। तो उसके अंदर ये जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे होते हैं, कोटिलिडोन, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने है वो होती है हाइपो फाइसिस। कोटिलिडोन के नीचे की जो सेल्स होती है उसको हम हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, और बाकी की जो सेल्स होती हैं ये वही सेम सस्पेंसर सेल, और ये कौन सी होती है, होस्टोरियल सेल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर हो जाने के बाद में फिर हमारे सामने एक कंप्लीट डायग्राम आता है किसका, एक डाइकोट एम्ब्रियो का, ठीक है। यहाँ पे भी कंटिन्यूसली क्या चल रहा है, डिवीजन चल रहा है कौन सा, ऑफ माइटोसिस। एंड देन हम देखते हैं कि एक डाइकोट एम्ब्रियो हमारे सामने फॉर्म होता है इस तरीके से, जो ये दोनों कोटिलिडोन्स हैं वो इस तरीके से आगे ग्रो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इस तरीके से जो हमारे सामने क्या प्रेजेंट होता है, होस्टोरियल सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये हाइपोफाइसिस है, प्लस आपको यहाँ पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है, एक यहाँ पे प्लियोमोल रीजन और एक यहाँ पे रेडिकल रीजन, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और इनको चारों तरफ से घेरे हुए क्या रहते हैं, एम्ब्रियोनल सेल, जो आगे क्या बनाती है, कोटिलिडोन्स का फॉर्मेशन करती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे सामने जो है वो क्या है, कोटिलिडोन्स, दो कोटिलिडोन्स होते हैं। इसके अलावा हमारे सामने ये जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं प्लूमूल रीजन, ठीक है, जो कि शूट अपेक्स बनाता है। ये जो रीजन होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, रेडिकल रीजन के नाम से जानते हैं, रेडिकल, ठीक है, जो कि रूट अपेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये जो हमारे सामने स्ट्रक्चर होती है वो होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। बाकी की जो लेबलिंग रहती है एज इट इज है, ये हमारे पास सस्पेंसर है और ये होस्टोरियल सेल। इस तरीके से आप देखोगे तो हमारे सामने एक कंप्लीट डायग्राम देखने को मिलता है डाइकोट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का। तो आप इस तरीके से एक कंप्लीट डेवलपमेंट देख सकते हो किसका, डाइकोट के एम्ब्रियो का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी स्टेजेस क्लियरली देखने को मिल रही हैं।
यहाँ अगर आप देखते हो डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर, तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे सामने क्या है, जाइगोट है। जाइगोट में डिवीजन हुई, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज बनी है, देन 8 सेल स्टेज, फिर ऑक्टेट स्टेज बने हैं, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना है, और फिर हमारे सामने ये जो बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट शेप, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया हम लोगों ने। और फिर ये जो हमारे सामने आया है ये क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सामने सारी सेल जो है वो देखने को मिलती है। ये वाली थी वो कौन सी थी, ऑक्टेट एम्ब्रियो भी हमारे सामने है। तो इस तरीके से हमारे सामने जो जायगोट से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जायगोट से 4 सेल स्टेज, फिर ऑक्टेट, देन ग्लोबुलर, देन हार्ट शेप, और देन मैच्योर एम्ब्रियो का क्या होता है, इस तरीके से फॉर्मेशन हमारे सामने देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम इस एम्ब्रियो को देखते हैं कि वो एक ओव्यूल में किस तरीके से सिचुएटेड होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो ओव्यूल देख रहे हैं, ओव्यूल में ये जो ये एम्ब्रियो जो है वो ओव्यूल में किस तरीके से सेट होगा, तो हम लोग यहाँ पे पहले ओव्यूल का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ओव्यूल ओवरी में सिचुएटेड है इस तरीके से, और उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं इंटेग्यूमेंट्स लेयर, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगी इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। अब इस ओव्यूल के अंदर हमें एम्ब्रियो को सिचुएटेड करना है, तो हम लोग पता है ये जो रीजन होता है वो कौन सा होता है, माइक्रो, जो रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर रीजन बोला जाता है, ठीक है। और ये जो रीजन होता है ये कौन सा होता है, चेलेजल। अब हम यहाँ देखते हैं कि एम्ब्रियो किस तरीके से फॉर्म होता है, तो आप देखोगे कि जो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे सामने एक बड़ा सा ऑस्ट्रियल सेल्स हमारे सामने बिल्ड होती है, और देन हमारे सामने छोटी छोटी सेल्स फॉर्म होती है, और यहाँ से फिर हमारे सामने जो बनता है इस तरीके से फॉर्म होता है एम्ब्रियो, ठीक है। ये एक एम्ब्रियो का डायग्राम है, ये क्या हो गए, कोटिलीडोन है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है, सस्पेंसर। ये जो स्ट्रक्चर है वो हॉस्टोरियल सेल, ठीक है। और प्लस हमारे पास यहाँ पे जो रीजन दिख रहे हैं ये प्लूमोल रेडिकल, ये रीजन कौन सा है, प्लूमोल, जो कि आगे क्या बनाता है, शूट अपेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ये जो रीजन होता है ये रीजन कौन सा होता है, रेडिकल, और ये आगे रूट अपेक्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे इसके अंदर क्या भरा रहता है, एंडोस्पर्म, ठीक है। यहाँ पे जो ये ओव्यूल है इसके अंदर इसके नरिशमेंट को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ओव्यूल के अंदर बहुत सारा क्या प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म। तो ये जो है वो क्या है, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के बन जाने के बाद ही तो हमारे सामने ये जो है ये इतना जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, एक डाइकोट एम्ब्रियो का है। तो इस तरीके से एक डाइकोट एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जायगोट के अंदर पहला डिवीजन हम लोग देखें तो वो हमेशा ट्रांसवर्स होता है और अनइक्वल होता है। इसके अलावा जो ये सारी स्टेजेस है हम इनको एक डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं तो और भी अच्छे से आपके सामने क्लियर होगा। तो डेवलपमेंट का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो हमारे पास सबसे पहले क्या है, जायगोट, और जायगोट के अंदर अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, एक टर्मिनल भी बोल सकते हो या फिर आप इसको एपिकल सेल भी बोल सकते हो, और एक बेसल सेल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में 2 सेल एम्ब्रियो बनती है क्योंकि 2 ऊपर और नीचे की सेल सस्पेंसर कहलाती है। उसके बाद में यहाँ पे 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बनता है, इसमें एम्ब्रियो में 4 सेल है, बाकी की सस्पेंसर सेल्स और एक हॉस्टोरियल सेल। जो ये सबसे बड़ी आपको दिख रही है वो कौन सी होती है, हॉस्टोरियल सेल देखने को आती है। उसके बाद
हमारे पास ये सस्पेंसर और ये हॉस्ट्रियल सेल, और क्या बनता है, एक ग्लोबुलर स्टेज बनती है, यानी कि टू के बाद में फिर ऑक्टेट स्टेज या फिर टेट्राड स्टेज के बाद में ग्लोबुलर स्टेज आती है, ठीक है। और ग्लोबुलर स्टेज के अंदर इस तरीके से पूरा ग्लोब्यूल होता है, कौन सी सेल्स का, एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल्स। और उसके बाद आप देखोगे कि ये एम्ब्रियोनल सेल्स होती है वो किसकी शेप ले रहे हैं, इस तरीके से हार्ट की शेप ले रहा होता है, और यहाँ से जो कॉटिलीडोन जो है उनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो ये जो शेप है वो कौन सी आ रही है, हार्ट शेप्ड है एम्ब्रियो। यहाँ पे जो कौन सा शेप दिखा रहा है, हार्ट शेप लिखा हुआ भी है, ये रहा हार्ट स्टेज देखने को मिलती है। और एक हाइपोफाइसिस रीजन होता है जो कॉटिलीडोन के नीचे होता है, कॉटिलीडोन के अपर जो रीजन होता है उसको हम एपिफाइसिस बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर रूट मेरिस्टेम बनती है, वो रीजन यहाँ पे होता है रेडिकल रीजन। यहाँ पे शूट मेरिस्टेम बनती है प्लूमोल, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस देखने को मिलती है, ये कॉटिलीडोन है। और ये जो स्टेज हमें देखने को मिलती है टारपेडो स्टेज देखने को मिलती है। टारपेडो जो स्टेज होती है वो एक प्री मैच्योर स्टेज बोल सकते हैं, क्योंकि उसके जस्ट बाद में मैच्योर स्टेज फॉर्म हो रही होती है, उसी का ही टाइप रहता है। तो अगर हम यहीं पे और स्पेसिफिक स्टेजेस की बात करें तो वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। तो यहाँ आपको सारे के सारे जो स्टेजेस है बहुत क्लियरली अपीयर हो रही होंगी। देखो यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके से एक क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है। देखो फर्टिलाइज्ड एग का मतलब होता है जायगोट, जायगोट को हम फर्टिलाइज्ड एग से कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखोगे कि इस फर्टिलाइज्ड एग के अंदर पहले तो कौन सी स्टेज बनता है, टू सेल स्टेज बनती है, जिसके अंदर अपर एपिकल सेल और नीचे की तरफ बेसल सेल्स बन रहा है। यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है वो क्लियरली समझ में आ रहा है, जायगोट के अंदर ट्रांसवर्स और अनईक्वल क्या हो रहा है, डिवीजन होता है, यानी जो फर्स्ट डिवीजन होता है जायगोट में वो ट्रांसवर्स होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स होता है, और प्लस कैसा होता है, अनईक्वल डिवीजन होता है। उसके बाद में ऑक्टेट स्टेज फॉर्म होती है, जिसके अंदर ये एम्ब्रियोनल सेल्स होती है और नीचे सस्पेंसर और हॉस्टियल सेल्स हमारे सामने है। उसके बाद में ऑक्टेट के बाद में जो स्टेज आती है वो होती है ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज में एम्ब्रियो सेल्स मास में प्रेजेंट रहती है, बाकी की सेल्स सस्पेंसर और हॉस्टियल सेल्स। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो ट्राइंगुलर स्टेज होती है, जिसके अंदर एक एम्ब्रियो ट्राइंगल के फॉर्म में एम्ब्रियोनल सेल्स अरेंज रहती है, ठीक है, और ये हॉस्टियल सेल्स है सस्पेंसर सेल्स के बाद में। फिर जो एम्ब्रियो शेप लेता है वो कौन सा है, हार्ट शेप लेता है। तो आप यहाँ देखोगे इस तरीके से एक हार्ट शेप बन रही है, जिसके अंदर जो हार्ट आता है वो बेसिकली कॉटिलीडोन की प्रेजेंस से आता है, ठीक है। फिर सस्पेंसर और हॉस्ट्रियल सेल्स हमारे सामने आती है। तो उसके बाद में हमारे सामने जो सेल आती है वो होती है टारपेडो सेल। टारपेडो सेल्स के अंदर कॉटिलीडोन अभी छोटे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्लियरली अपीयरेंस देखने को मिलती है। ये रीजन जो होता है वो शूट अप एपिकल मेरिस्टेम का, और ये जो होते हैं वो रूट एपिकल मेरिस्टेम का, और यहाँ पे एक एम्ब्रियोनल एक्सिस क्लियरली अपीयर होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और उसके बाद में हमारे सामने आता है मैच्योर एम्ब्रियो। तो मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर आप देखोगे ये हॉस्ट्रियल सेल्स है, ये सस्पेंसर सेल्स हमारे सामने है, और उसके बाद में ये बीच में वास्कुलर टिश्यूज का क्या है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होने लग गया। यहाँ पे रेडिकल रीजन है, ये प्लूमल रीजन है, और ये इस तरीके से दो कंप्लीटली अपीयर होते हैं किसके, कॉटिलीडोन्स की। तो अगर इस एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर देखें तो देखो फ्लावर है, फ्लावर में क्या होती है, ओव्यूल, और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है। तो एक ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो जो है वो ऐसे दो कॉटिलीडोन्स को लिए हुए इस तरीके से सिचुएटेड होता है, ये होता है हॉस्ट्रियल रीजन। तो वो इस एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर करने के लिए सीड कोट प्रेजेंट होते हैं, दो कॉटिलीडोन लेके इस तरीके से जो ओव्यूल है वो बेसिकली अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे सामने एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, एक डेवलपमेंट स्टेज देखने को मिल रही है किसके अंदर, एक डायकोट एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि थ्योरेटिकल हम इन चीज़ों को किस तरीके से मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो फर्स्ट डिवीज़न देखने को मिलता है, फर्स्ट डिवीज़न जो होता है वो किस में होता है, जायगोट में होता है, पहली चीज़ तो ये क्लियर करो आप, ठीक है। और हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज ऑलवेज ट्रांसवर्स होता है एंड
अनइक्वल होता है, यानी कि एक जायगोट है तो जायगोट जब डिवीजन करेगा तो वो अनइक्वल डिवीजन करेगा। एक तो एपिकल सेल बनती है और एक बड़ी सी बेसल सेल, यानी कि ये तो जो सेल बनी है वो कौन सी है, एपिकल, और एक जो बनती है वो कौन सी होती है, बेसल सेल होती है। एपिकल सेल जो होती है स्मॉलर होती है और बेसल सेल जो होती है वो लार्जर होती है, ठीक है। इस तरीके से जो फर्स्ट डिवीजन हमें देखने को मिलता है वो आपके सामने है, और वो कौन सा होता है, यहाँ पे जायगोट के अंदर डिवीजन क्लियरली देखने को मिलता है, यानी कि जायगोट, जायगोट बोल सकते हो, या फिर आप इसको ऊस्पोर के नाम से भी, क्योंकि ऑप्शन के अंदर हो सकता है आपको ऊस्पोर देखने को मिल जाए। तो ऊस्पोर में जो डिवीजन है वो कैसा है, ट्रांसवर्स होता है और अनइक्वल होता है, जिससे कि दो सेल्स बनती है, एपिकल और एक बेसल, दो सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जो एक सेल माइक्रोपाइल की तरफ होती है, ठीक है, वो तो क्या, कौन सी सेल होती है हमारी, बेसल सेल। तो ये जो बेसल सेल वो किसकी तरफ होती है, वो लाई करती है, लाइज टूवर्ड्स माइक्रोपाइल, ठीक है। जबकि एपिकल सेल होती है वो किधर लाई करती है, ये लाई करती है, लाइज टूवर्ड्स चले जाओ, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन सी सेल किधर, जो टर्मिनल होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। तो अब हमें पता है कि जब इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, एक तो सेल कौन सी बनती है, एपिकल सेल बनती है। तो पहले तो हम इसके बारे में बात करें, तो जो एपिकल सेल यहाँ पे फॉर्म होती है बच्चों, वो किस तरह की होती है, एपिकल सेल जो यहाँ बन रही है, तो एपिकल सेल के बारे में देखते हैं कि हमारे सामने क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एपिकल सेल जो बनती है वो जो ऊस्पोर के फर्स्ट डिवीजन से बनती है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये स्मॉलर सेल होती है, दूसरी चीज़ कि ये सेल लाई करती है, लाइज टूवर्ड्स चले जा, ठीक है। इस सेल को हम ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ये सेल्स होती है इसको एक और नाम से भी जान सकते हैं, इसको आप एम्ब्रियोनल सेल भी बोल सकते हो। तो एपिकल सेल बेसिकली हमारी एज ए एम्ब्रियोनल सेल कहलाती है, ठीक है। दूसरी जो सेल बनती है, सेकंड जो सेल हमारे सामने होती है वो कौन सी थी, वो थी बेसल सेल, ठीक है। और बेसल सेल के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे सामने क्या क्या चीज़ें आती हैं। बेसल सेल जो होती है वो लार्जर सेल होती है कंपैरेटिव टू एपिकल, और ये किधर की साइड में बनती है, अगर बात करें बेसल सेल की, ये लाई करती है, लाइज टूवर्ड्स माइक्रो पाइल, ठीक है। और इन सेल्स को हम सस्पेंसर सेल्स के नाम से भी जानते हैं, सस्पेंसर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि कौन से एंड की तरफ किसका फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो जो बेसल सेल इनके सस्पेंसर सेल्स और एम्ब्रियोनल सेल्स होती है, फिर आगे कंटिन्यूसली क्या करती है, डिवाइड करती है। तो हम लिख सकते हैं क्या क्या, कि दी बेसल सेल्स एंड, या एम्ब्रियोनल सेल बोल सकते हो एपिकल को, एम्ब्रियोनल सेल्स डिवाइड्स कंटिन्यूसली, ठीक है। कंटिन्यूसली क्या करती है, वो डिवाइड करती रहती है, ठीक है। अब जो एम्ब्रियोनल सेल होती है, यानी कि जो एम्ब्रियोनल जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती है बाय माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। सेल्स डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन्स, ठीक है। एम्ब्रियोनल सेल जो होती है माइटोटिकली डिवाइड करती है, और ये जो सेल्स होती है वो किसका फॉर्मेशन कर देती है, गिव राइज टू प्रो
एम्ब्रियो एंड उसके बाद में सब्सिक्वेंटली टू सब्सिक्वेंटली टू ग्लोबुलर देन हार्ट शेप और शेप्ड और लास्ट में कौन सा मैच्योर एम्ब्रियो का क्या करती है फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियोनल सेल्स जो होती है वो इस तरीके से कंटिन्यूसली डिवाइड करती है और ये बना देती है। वहीं अगर हम जो हमारी सेकंड सेल्स थी वो कौन सी थी सस्पेंसर सेल्स की बात करें, ये भी क्या करती है डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स डिवीजन करती है और फॉर्मेशन करते हैं फॉर्मिंग। ये ट्रांसवर डिवाइड करके क्या बनाती है ट्रांसवर डिवाइड करके ये फॉर्म करती है 6 to 10 सेल्ड लॉन्ग एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको किस नाम से जानते हैं विच इज टर्म्ड एज सस्पेंसर। ठीक है, प्लस इस सस्पेंसर का अगर हम मेन फंक्शन देखें, इसका अगर हम फंक्शन की बात करें सस्पेंसर का फंक्शन क्या होता है, तो इसका दी मेन फंक्शन ऑफ सस्पेंसर इज टू पुश दी डेवलपिंग एम्ब्रियो इनटू फूड, यानी कि फूड किस फॉर्म में होता है एंडोस्पर्म के फॉर्म में, डेवलपिंग एम्ब्रियो इनटू फूड लेडन एंडोस्पर्म टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। किसको प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जो माइक्रोपाइलर सेल है ऑफ दी जो सबसे माइक्रोपाइलर सेल होती सस्पेंसर सेल की, क्योंकि मैंने बोला है 6 to 8 सेल लॉन्ग फिलामेंट बनाता है, तो जो माइक्रोपाइलर यानी कि दी माइक्रोपाइलर सेल ऑफ द सस्पेंसर, ठीक है, जो माइक्रोपाइलर इनकी जो लास्ट की सेल होती है सस्पेंसर की वो क्या हो जाती है स्वेल अप हो जाती है। ये हम लोगों ने देखा भी था, ये मान लो सस्पेंसर है तो इस सस्पेंसर की जो लास्ट सेल माइक्रोपाइल सेल की तरफ जो सेल होती है वो क्या हो जाती है स्वेल अप हो जाती है। ठीक है, और इस स्वेल अप सेल को तो इस दिस सेल ऑफ सस्पेंसर इज नोन एज होस्टोरियल सेल। किस नाम से जानते हैं होस्टोरियल सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है कि कैप्सेला के अंदर कर्व्ड पोजीशन ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल एम्ब्रियो बिकम ए कर्व्ड, क्योंकि कैप्सेला का जो ओव्यूल की पोजीशन होती है वो भी कर्व्ड होती है और वहाँ पे एक ओव्यूल जो बनता है वो कर्व्ड पोजीशन में बनता है जिसको टारपेडो यानी कि मैच्योर एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमें पता है कि जो इसके बाद में कंटिन्यूसली जो हमारे पास एक मैच्योर एम्ब्रियो बनता है यानी कि मैच्योर एम्ब्रियो की बात करें तो ये हम सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़ रहे हैं कैप्सेला के अंदर पढ़ रहे हैं। तो कैप्सेला के अंदर जो एक इन कैप्सेला ड्यू टू
कर्व्ड पोजीशन ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यू, पोजीशन ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल, जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो बिकम्स कर्व्ड, ठीक है. एंड दिस जो कर्व्ड एम्ब्रियो है, ऑफ यानी कि कर्व्ड पोजीशन लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, कर्व्ड पोजीशन ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड टॉर्पेडो. टॉर्पेडो यानी कि मैच्योर एम्ब्रियो बोला जाता है, ठीक है. तो अब जो एक मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, तो उस एक मैच्योर एम्ब्रियो में हमें क्या देखने को मिलता है, एक एक्सेस प्रेजेंट होती है मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है. तो जो मैच्योर एम्ब्रियो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक एक्सेस प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट बिटवीन जो प्लूम्यूल रीजन होता है और जो रेडिकल रीजन होता है, ठीक है. तो प्लूमल और रेडिकल के बीच में जो एक्सेस प्रेजेंट होती है, तो इस एक्सेस को क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सेस, ठीक है. और इस एम्ब्रियोनल एक्सेस को टाइगेलम भी बोला जाता है, ठीक है. अब बोथ द कोटिलिडोन्स आर प्रेजेंट एट द लेटरल पोजिशन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड प्लूम्यूल इज फॉर्म इन ए टर्मिनल पोजिशन ऑफ डाइकोटिलिडोन एम्ब्रियो. क्योंकि अगर आप देखोगे जो प्रेजेंस है हमारे सामने कैप्सुला के जो एम्ब्रियो की आती है वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने आती है कि लाइक ये हम लोगों ने बनाए दो कोटिलिडोन्स, ठीक है. और कोटिलिडोन्स के बाद अगर आप देखोगे तो इस तरीके से हमारे सामने एक पूरा का पूरा एम्ब्रियो देखने को मिलता है इस तरीके से, ठीक है. तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये तो क्या है, कोटिलिडोन्स है, ठीक है. कोटिलिडोन्स अलग पोजीशन में रहते हैं, ठीक है. और यहाँ पे जो ये जो सेगमेंट है मेरिस्टेमेटिक सेल का मास प्रेजेंट रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूमूल, जिसके अंदर ये क्या बनेगा, शूट अपेक्स रीजन होता है, जो कि आगे शूट अपेक्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन करके रखता है, ठीक है. तो आप देखोगे कि जो कोटिलिडोन्स हैं वो तो लेटरल एक साइड में प्रेजेंट रहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड प्लूमूल इज फॉर्म द टर्मिनल पोजिशन ऑफ डाइकोटिलिडोन. तो अलग अलग, क्योंकि दो अलग अलग पोजीशन के अंदर ही सिचुएटेड होते हैं. और यहाँ पे जो रीजन होता है वो होता है रेडिकल रीजन. ये जो रीजन होता है वो क्या होता है, रेडिकल रीजन, ठीक है, जिसको आप रूट अपेक्स भी बोल सकते हो. और इस रूट अपेक्स को कवर करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है ये वाली, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको रूट कैप बोला जाता है, ठीक है. तो इस तरीके से एक मैच्योर एम्ब्रियो हमें देखने को मिलता है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो प्रेजेंट होती है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है. और डाइकोटिलिडोन का जो लोअर पार्ट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि ये जो पोर्शन है डाइकोटिलिडोन का, इसको हम किस नाम से जानते हैं, हाइपोफाइसिस, कोटिलिडोन्स भी बोल सकते हो, या हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, तो इसको आप हाइपोकोटाइल भी बोल सकते हो, ठीक है. यानी कि लोअर पार्ट जो होता है वो हाइपोकोटाइल, और कोटिलिडोन के अपर जो प्लूमूल से जो रीजन ऊपर जाएगा, प्लूमूल आगे जो फॉर्म करेगा वो एपिकोटाइल रीजन हमारे सामने आता है, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट में हमें देखने को मिलता है, ये बेसिकली किस में देखने को मिल रहा है, कैप्सुला के अंदर, ठीक है. यानी कि जो कैप्सुला है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है,
कैप्सेला प्लांट के अंदर जो एम्ब्रियो की पोजीशन हमारे सामने आती है वो कैप्सेला के अंदर इस तरीके से एम्ब्रियो आता है, कैप्सेला एम्ब्रियो है, ठीक है। तो इस कैप्सेलो एम्ब्रियो के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो एक्सिस प्रेजेंट है वो अलग साइड में होते हैं, यानी कि कोटिलिडोन्स जो तो कहाँ होते हैं, कोटिलिडोन्स तो आर प्रेजेंट लेटरल पोजीशन में, और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है वो एंड प्लूमुल टर्मिनल पोजीशन पे, एंड जो प्लूमुल रीजन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो एम्ब्रियो होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रूसीफेर टाइप या फिर ओनाग्रेड टाइप ऑफ एम्ब्रियो होता है, क्रूसीफेर टाइप या ओनाग्रेड टाइप ऑफ एम्ब्रियो हम यहाँ पे इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। और ये जो क्रूसीफेर टाइप ऑफ एम्ब्रियो होता है ना, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो एंजियोस्पर्म के अंदर या डाइकोट्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट्स, ठीक है, डाइकोट्स के अंदर इस तरीके का देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हमारे सामने ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो तो किसका है, एक डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमारे सामने देख रहा है जो कि एक क्रूसीफेरस टाइप का एम्ब्रियो कहलाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो डेवलपमेंट था एम्ब्रियो का, तो एम्ब्रियो के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिले, पहले तो क्या बना, जायगोट, ठीक है। जायगोट के बाद हमारे सामने जो स्ट्रक्चर आती है वो फोर सेल डिवीजन करने के बाद में, पहले तो टू सेल कर देते हैं, टू सेल, फिर उसके बाद में फोर सेल्ड स्टेज आती है, ठीक है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, टेट्राड के नाम से जानते हैं, टेट्राड स्टेज थी। और उसके बाद में एट सेल्ड एम्ब्रियो बनता है जिसको आप ऑक्टेंट स्टेज बोलते हो। उसके बाद में कंटिन्यूसली डिवीज़न होता है और उसके बाद में 16 सेल्ड स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर या स्टेज। और ग्लोबुलर स्टेज के बाद में फिर कंटिन्यूसली डिवीज़न होता है और कंटिन्यूसली डिवाइड करके जो एम्ब्रियो है वो ट्राइंगुलर शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और फिर ट्राइंगुलर से हमारे सामने जो एम्ब्रियो बनता है वो कैसा बनता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास आता है एक मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। लेकिन ये हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, डाइकोट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये हमारा जो डेवलपमेंट था वो कौन से एम्ब्रियो के बारे में था, डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में हमारे सामने रहता है। उसके बाद जो हमारे सामने आता है फिर जो डेवलपमेंट हम देखते हैं मोनोकोटिलिडोन्स के अंदर, हम देखते हैं कि मोनोकोटिलिडोन्स में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, यानी कि सारा का सारा जो डेवलपमेंट था वो डाइकोट या डाइकोटिलिडोन एम्ब्रियो के बारे में था, डाइकोट्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट हमारे सामने आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मोनोकोट के अंदर किस तरीके से होता है, तो हम फिनोमिना देख रहे हैं कौन सा, एम्ब्रियो जेनेसिस, यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किसके अंदर, मोनोकोटिलिडोन्स, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि मोनोकोटिलिडोन्स के अंदर जो एम्ब्रियो का ऑब्जर्वेशन है वो किस तरीके से होता है, तो हमारे सामने कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे सामने आते हैं। देखो, पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी होगी कि जो मोनोकोट की अर्लियर स्टेज होती है एम्ब्रियो की, दी अर्ली
स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट वो कैसी होती है, आर सिमिलर इन बोथ डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो अप टू ग्लोबुलर स्टेज, यानी कि ग्लोबुलर स्टेज तक हम डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो को एक जैसा ही आंकते हैं, यानी कि दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी होती है ग्लोबुलर स्टेज तक। तो यहाँ पे एम्ब्रियो के अंदर हम लोग काफ़ी जो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है वो लगभग हमें इक्वलेंट ही देखने को मिलती है। तो मोनोकोट के नाम से पता चल रहा है, तो इसके अंदर हमारे सामने क्लियर है कि जो लोअर हाफ पार्ट होगा कॉटिलीडन का वो तो फॉर्म करेगा लोअर पार्ट ऑफ ऑक्टेंट, यानी कि सीधी सी बात है, एक कॉटिलीडन मोनोकोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो ही एक कंप्लीट एम्ब्रियो को फॉर्म करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यानी कि जो मोनोकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट की डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम एग्जाम्पल में जो एम्ब्रियो यहाँ लेते हैं वो किसका लेते हैं, ग्रास फैमिली का, ग्रास फैमिली, ठीक है। तो ग्रास फैमिली का जो मोनोकोट एम्ब्रियो है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो मोनोकोट एम्ब्रियो है वो कुछ इस तरीके से डेवलप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग की वही फेज हमारे सामने आ रही है कि ये जो स्टेज आपको यहाँ दिख रही है वो कौन सा है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ये सस्पेंसर और हॉस्ट्रियल सेल्स हमारे सामने हैं, ये जाइगोट है, ठीक है। और फिर कंटिन्यूसली जो आगे सेल जो होती है ऑक्टेट स्टेज है, सॉरी ये ग्लोबुलर नहीं है, ऑक्टेट स्टेज है, और यहाँ पे जो बन रही है वो कौन सी है, ग्लोबुलर है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे सामने एक क्लियर फॉर्म आती है इस तरीके की, यानी कि ये आगे जो मैच्योर होती है स्टेज, तो मैच्योर होके हमारे सामने कुछ चीज़ें सामने आती है, रेडिकल रीजन, कोटिलीडन पोर्शन, प्लूमोल रीजन, ठीक है। तो इस तरीके की ये जो रीजन है वो हमें यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो ग्रास फैमिली के अंदर जो मोनोकोट का डायग्राम होता है वो आपके सामने है, जिसके अंदर स्क्यूटेलम, कॉलियोप्टाइल रीजन, शूट अपेक्स, एपिब्लास्ट, रेडिकल रीजन, रूट कैप, कोलियोराइजा, इस तरह की जो लेबलिंग है हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम इनकी जो लेबलिंग है मोनोकोट डायग्राम की वो समझते हैं किस तरीके से होती है। तो इस तरीके से हमारे सामने एक डायग्राम दिख रहा है, वो किसका है, ग्रास मोनोकोट है एम्ब्रियो, और कौन सी फैमिली का, ग्रास फैमिली का, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर जो ये स्ट्रक्चर, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है, वो बेसिकली क्या होता है, स्क्यूटेलम होता है, यानी कि जो सब अपर रीजन हमारे सामने आता है वो क्या होता है, स्क्यूटेलम, ठीक है। तो जो स्क्यूटेलम है बेसिकली क्या होता है, तो आप बोलोगे कि जो स्क्यूटेलम होता है वो एक कॉटिलीडन है, यानी कि स्क्यूटेलम बेसिकली सिंगल कॉटिलीडन को बोले, यानी कॉटिलीडन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम बोला जाता है, ठीक है। तो ग्रास फैमिली में कॉटिलीडन को ही क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम बोला जाता है। और स्क्यूटेलम की अगर हम शेप की बात करें तो ये कैसा होता है, शील्ड शेप का हमें देखने को मिला होता है। उसके बाद हमारे सामने एक और स्ट्रक्चर आती है, ये इस तरीके से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हमारे सामने अपीयर है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है कॉलियोप्टाइल रीजन, ठीक है, कोलियो, यानी कि ये जो रीजन है उसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल, ठीक है। तो कोलियोप्टाइल बेसिकली कौन से सेगमेंट को बोला जाता है, कोलियोप्टाइल बेसिकली हम मान के चलते हैं कि एक शीथ है, कवरिंग शीथ है, ठीक है। तो कोलियोप्टाइल जो होती है एक शीथ है, और कहाँ डेवलप होती है, डेवलप अराउंड दी प्लूमोल, प्लूमोल रीजन के चारों तरफ ये डेवलप होती है। तो प्लूमोल रीजन अगर हम देखें तो वो कौन सा रीजन है,
ये जो रीज़न है यहाँ पे, ये जो रीज़न कौन सा है, ये हमारा रीज़न होता है, वो होता है फ्लूम्यूल। ठीक है, फ्लूम्यूल रीज़न कौन सा रीज़न होता है, यानी कि वो रीज़न जो कि आगे किसको कैरी कर रहा है, स्टेम अपेक्स को, यानी कि ये आप इस रीज़न को शूट अपेक्स रीज़न भी बोल सकते हो, या फिर शूट मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट होती है, या बोल सकते हो यहाँ पे शूट मेरिस्टेम्स यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद हमारे सामने जो रीज़न नेक्स्ट आता है वो होता है एपिब्लास्ट। अगर ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखोगे, एक सिंगल छोटा सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये होता है एपिब्लास्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, एपिब्लास्ट। ठीक है, तो एपिब्लास्ट बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो एपिब्लास्ट एक रिड्यूस्ड कॉटिलिडोन फॉर्म है, रिड्यूस्ड क्या है, कॉटिलिडोन है। और जो एपिब्लास्ट है वो बेसिकली कुछ ही ऐसी मतलब सारी ग्रास फैमिली में नहीं प्रेजेंट होता, ये एपिब्लास्ट की जो स्ट्रक्चर है यानी कि एक एक्स्ट्रा रिड्यूस कॉटिलिडोन्स है, ये प्रेजेंट होता है सम ग्रासेस में, प्रेजेंट इन सम ग्रासेस। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आती है वो हम देखें तो कौन सी है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है ये, सॉरी यानी कि हम देखें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये वाली स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होते हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, ये होते हैं रेडिकल। ठीक है, और रेडिकल बेसिकली क्या होते हैं, इनको हम रूट अपेक्स बोला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर रूट मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है, जो कि रूट का फॉर्मेशन फॉर्म करती है। ठीक है, तो अब अगर हम आगे देखें रूट मेरिस्टेम्स के बाद में, अब हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आपको क्लियरली अपीयर हो रही होगी, ये वाली जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कैप लाइक जो स्ट्रक्चर यहाँ है, इसको क्या बोला जाता है, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को, इसको बोला जाता है रूट कैप, इसको बोला जाता है रूट कैप। तो क्लियर है रूट कैप का तो काम क्या होता है, ये कवर करके रखती है रूट अपेक्स को, तो ये क्या करती है, कवर रूट अपेक्स, यानी कि एज ए प्रोटेक्शन वर्क करती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर हमारे को देखने को मिलती है रूट अपेक्स के बाद हमारे सामने, जो ये वाली स्ट्रक्चर है रूट अपेक्स रूट कैप के बाद में, एक यहाँ ऊपर की साइड में हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, और एक हमारे सामने यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। ठीक है, तो कोलियोराइजा बेसिकली क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो कोलियोराइजा बेसिकली ये भी एक शीथ है जो कि डेवलप्स अराउंड द रेडिकल। ठीक है, रेडिकल के चारों तरफ ये क्या होती है, और फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने जो मोनोकोटिलेडोन एम्ब्रियो है उसके सारे के सारे हम लोगों ने एक क्लियर डायग्रामेटिक फॉर्म देखी है, जिसके अंदर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोलियोपटाइल और कोलियोराइजा क्या है, दोनों ही कवरिंग लेयर है, प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है, जो प्लूम्यूल और रेडिकल को क्या करके रखती है, कवर करके रखती है। ठीक है, लेकिन ओनली मोनोकोट्स, जो वन कोटिलिडोन सिर्फ और सिर्फ मोनोकोट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हम सिर्फ ओनली ऑन ग्रास जो मोनोकोट होता है उसी का ही डायग्राम डिस्कशन कर रहे हैं। ऑल्दो आपके एनसीईआरटी के अंदर दोनों डायग्राम हैं, एक मेज के मोनोकोट का भी डायग्राम है जो हम नेक्स्ट सीड करेंगे तब देखेंगे। अभी जो हमारे सामने जो स्ट्रक्चर आ रही है वो एक मोनोकोट एम्ब्रियो की है, वो भी कौन सा, ग्रास मोनोकोट एम्ब्रियो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारे सामने एक कंप्लीट
मोनोकोट एम्ब्रियो का डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया, जिसके अंदर सारी की सारी स्ट्रक्चर आपको बताई जा रही है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना है, एम्ब्रियो बना है। एम्ब्रियो किससे बना है, नरिशमेंट किया गया है उसको, और किसने नरिश किया है, एंडोस्पर्म। तो बेसिकली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हमने दो चीज़ें कर दी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर दिया और एंडोस्पर्म का भी डेवलपमेंट कर दिया। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊं। तो फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर जो सबसे पहला चेंजेस देखने को मिलता है ओवरी में दिखता है। तो ओवरी बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पे ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट के अंदर। ओवरी किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, तो ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड हमारे सामने आता है ओवरी की जो वॉल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो ओवरी की वॉल कन्वर्ट होती है फ्रूट वॉल में, ठीक है। यानी कि जो ओवरी है वो अब क्या बन चुका है, फ्रूट। ओवरी की वॉल फ्रूट वॉल बन चुकी है, और जो ओव्यूल है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो चुका है, सीड में। अब अगर आपको पता हो ओव्यूल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट थे, इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट थे। तो ओव्यूल के चारों तरफ लेयरिंग प्रेजेंट थी, दो लेयरिंग थे इंटेग्यूमेंट, ठीक है। और ये जो इंटेग्यूमेंट्स है वो क्या बनाते हैं, सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, सीड कोट। हमें पता है इंटेग्यूमेंट जो है वो दो टाइप्स के थे, एक आउटर इंटेग्यूमेंट था और एक इनर इंटेग्यूमेंट था। जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो तो सीड कोट के कौन सी लेयर का फॉर्मेशन करता है, टेस्टा। यानी कि टेस्टा इज अ आउटर सीड कोट, ठीक है। और जो दूसरा लेयर होती है वो होती है इनर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैगमेन। ये कौन सी होती है, इनर सीड कोट। क्या बोलते हैं इसको, इनर सीड कोट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओवरी किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में। ओवरी वॉल किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट वॉल में। और इंटेग्यूमेंट्स क्या बनाते हैं, सीड कोट का फॉर्मेशन करता है, सीड कोट प्रेजेंट होता है। और टेस्टा और टैगमेन बेसिकली सीड कोट के नेम है, जो कि आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ओव्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ओव्यूल में प्रेजेंट होता है न्यूसेलस। उस न्यूसेलस का क्या होता है, तो बता दूँ, न्यूसेलस कंप्लीटली क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, डी जनरेट्स। यानी कि लेकिन कभी कभी न्यूसेलस जो है वो समटाइम प्रेजेंट भी रह सकता है, समटाइम प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म के फॉर्म में ये कभी कभी प्रेजेंट भी हो सकता है। इसके अलावा और हमें कौन कौन सी सेल्स देखने को मिलती हैं, तो हमारे सामने आती है सिनर्गिड्स और एंटीपोडल सेल। सिनर्गिड्स एंड एंटीपोडल, ये दोनों क्या हो जाती हैं, ये दोनों भी डी जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। और डी जनरेट होते होते जायगोट को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ रीजन थे, जैसे कि हाइलम रीजन था, फ्यूनिक्यूलस था, माइक्रोपाइल था और चेनेजा था। यानी कि ओव्यूल के अंदर हमारे पास चार स्ट्रक्चर्स और भी देखने को मिल रही थी। कौन कौन सी है उनके नाम नेमिंग करें, एक तो हाइलम था, हाइलम ऑफ ओव्यूल। एक स्ट्रक्चर हमारे सामने थी फ्यूनिक्यूलस ऑफ ओव्यूल, और एक हमारे पास थी माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल, और एक लास्ट स्ट्रक्चर थी चेलेजा।
ओव ओव्यूल, इन सब का क्या होता है? तो हम देखें ये सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइलम ऑफ ओव्यूल अब क्या बन जाता है, हाइलम ऑफ सीड बन जाएगा, जिसको हम स्कार भी बोलते हैं, स्कार ऑन सीड, ठीक है। फ्यूनिक्यूलस जो है वो स्टाक ऑफ सीड हो जाएगी, ठीक, मे बी प्रेजेंट भी हो सकते हैं या टूट भी जाए। माइक्रोपाइल रीजन और चेलेजा रीजन अब क्या कहलाएंगे, माइक्रोपाइल ऑफ सीड और चेलेजा ऑफ सीड, माइक्रोपाइल ऑफ सीड एंड ये कहलाएगा चेलेजा ऑफ सीड। इस तरीके से हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपको डायग्राम देके या फिर चार ऑप्शन देके ओवरी ओव्यूल इंटेग्यूमेंट्स इस तरीके से देखिए पूछ लिया जाता है कि इनके आप चेंजेस बताओ क्या और किस में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद अगर हम देखें कि प्लॉयडी की बात करें, स्पेसिफिक प्लॉयडी देखें कि प्लॉयडी लेवल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें, तो बेसिकली जो प्लांट के पार्ट की बात करें तो दो पार्ट हमारे सामने आते हैं प्लांट के, एक तो होता है कौन सा, स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइट, ठीक है, और एक जो पार्ट होता है वो होता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो स्पोरोफाइट में हम किस किस को रखते हैं और गैमेटोफाइट में किस किस को रखते हैं, ये भी अपने हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो स्पोरोफाइट में आएगा जायगोट, ठीक है, और जायगोट की प्लॉयडी आपको पता है 2n होती है, तो बेसिकली आप यूँ समझो ना कि जो स्पोरोफाइट होते हैं ना उसकी जो प्लॉयडी होती है वो 2n होती है, और जो गैमेटोफाइट्स होते हैं ना उनकी प्लॉयडी हमेशा ही हैप्लोइड होंगे, यानी कि ये तो क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, और स्पोरोफाइट हमेशा ही क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो बाकी अब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि स्पोरोफाइट में हम किस किस को रखते हैं, तो स्पोरोफाइट के अंदर जायगोट, एम्ब्रियो, रेडिकल, प्ल्यूम्यूल, कोटिलिडोन, न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट्स, इसके अलावा MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, ओवरी वॉल या फ्रूट वॉल भी बोल सकते हैं, कार्पेल, सेपल एंड पेटल, स्टेमन, लीफ, रूट, स्टेम, कुछ भी हो, ये सारे के सारे जो पोर्शन हैं वो क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे स्पोरोफाइटिक पार्ट है, और इन सब की जो प्लॉयडी होती है वो 2n ही रहती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि गैमेटोफाइट के अंदर हम किस किस को रखते हैं, तो गैमेटोफाइट के अंदर आएंगे माइक्रो स्पोर या बोल सकते हो पोलन ग्रेन, तो इनकी प्लॉयडी n होती है, ट्यूब सेल, ट्यूब सेल मतलब पोलन ट्यूब, ठीक है, या फिर वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ठीक है, मेल गैमेट, गैमेटोफाइट मतलब गैमेट वाली स्टेज, फीमेल गैमेट, ठीक है, मेगा स्पोर, माइक्रो स्पोर, ठीक है, एम्ब्रियो सैक, सिनर्गिड, एंटीपोडल, एग सेल और जो पोलर न्यूक्लियाई है,
अगर इन सब की बात हो रही है तो ये सारे के सारे जो स्टेजेस है वो किस में रखे जाते हैं, गैमेटोफाइट स्टेजेस में रखते हैं। इन सब की प्लोइडी क्या होती है, हैप्लोइड होता है। तो यहाँ पे आपको प्लोइडी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको प्लोइडी नहीं पता होगी बच्चों तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बड़ा मतलब मात खाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट प्लोइडी, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, वैसे तो आपने 11th क्लास के अंदर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों वर्ड पहले भी प्लांट किंगडम में देखे हैं, लेकिन वहाँ पे तो एक अलग प्रस्पेक्टिव में क्वेश्चन आता है। बोर्ड में प्लोइडी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि स्पोरोफाइट और उनकी प्लोइडी हमें एक्सप्लेन करो। तो इस तरीके से हमारे सामने एक कंप्लीट एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल फॉर्म हो चुका है, क्योंकि एक राइब्ड ओवरी है वो अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है, सीड में कन्वर्ट हो चुकी होती है, राइब्ड फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, और ओव्यूल जो है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गया, सीड के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, ठीक है। तो ओवरऑल हमने एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हमने किसको उठाया, फ्लावर को, यानी कि फ्लावर यहाँ पे क्या पोर्शन होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फ्लावर के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें देखी, कौन कौन सी, एक तो मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट, एक तो हमने देखा स्टेमन और एक देखा कार्पेल, ठीक है। स्टेमन जो है वो बेसिकली किसकी मॉडिफाइड कंसीडर करते हैं, इसको माइक्रो स्पोरोफिल भी बोलते हैं, और कार्पेल को हम मेगा स्पोरोफिल भी बोला जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ देखें तो हमारे सामने क्या आता है कि स्टेमन तो क्या बनाएगा आगे, पोलन सेक, और जो कार्पेल है कार्पेल से आगे क्या निकलता है, कार्पेल से आगे हमारे सामने आता है ओव्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे ओव्यूल तो एज ए मेगा स्पोरेंजियम है, ठीक है, और जो पोलन सेक है वो यहाँ पे एज ए माइक्रो स्पोरेंजियम है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल से आगे क्या बनता है, मेगा स्पोर मदर सेल फॉर्म होती है, जबकि पोलन सेक से क्या बन रहा था, माइक्रो स्पोर मदर सेल, ठीक है। यहाँ तक की जो प्लोइडी है हमें पता है 2n गैमेटोफाइटिक फेज चल रही है हमारी, सॉरी स्पोरोफाइटिक। अब क्या है, यहाँ दोनों ही केस में क्या होता है, मियोसिस परफॉर्म होती है, इधर ये और इधर यहाँ पे, दोनों ही केस में यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन जब होता है तो हमें पता है किसका फॉर्मेशन होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो तो क्या बनाएगी, मेगास्पोर बनाएगी, ठीक है, और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो माइक्रो स्पोर बनाएगी। माइक्रोस्पोर जो होते हैं आगे मैच्योर होके क्या बन जाते हैं, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन में कौन बैठे होते हैं, मेल गैमेट बैठे होते हैं, ठीक है। वहीं अगर मेगास्पोर की बात करें, मेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हो, ठीक है, यानी कि पोलन ग्रेन, बेसिकली हम पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, इनको मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है, क्योंकि ये किसको कैरी कर रहे होते हैं, मेल गैमेट्स को कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। वहीं अगर मेगास्पोर की बात करें तो मेगास्पोर में तीन तो डीजनरेट हो जाती है, और एक मेगास्पोर, ओनली वन मेगास्पोर आगे किस में कन्वर्ट हो जाती है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसको हम किस नाम से जानते हैं, एम्ब्रियो
सैक के नाम से जाना जाता है। और एम्ब्रियो सैक के अंदर बेसिकली हमें क्या देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारी अलग अलग सेल्स देखने को मिलती है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारे सामने जो एम्ब्रियो सैक होते हैं वो 7 तो सेल्ड होते हैं और 8 न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखने को मिलता है, इन 7 सेल्स के अंदर 2 सेल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारे पास कौन सी, एग सेल आती है, और एक हमारे पास जो दूसरी सेल प्रेजेंट होती है वो एज ए सेकेंडरी न्यूक्लियस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूज़न से बने होते हैं। ये 2n स्टेज और ये n स्टेज। अब इनके साथ आके एक एक मेल गैमेट क्या होता है, फ्यूज़ कर जाता है। ये क्या है, मेल गैमेट, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे फ्यूज़ करता है तो अब हमारे सामने क्या बनता है, दोनों ही केस में अगर एग के साथ फ्यूज़ करता है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, सिनगेमी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिपल फ्यूज़न बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूज़न हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे लिए जो वर्ड आता है वो कौन सा आता है, डबल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे सामने क्या होता है, जब ट्रिपल फ्यूज़न है इससे तो हमारे सामने क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। और जो सिनगैमी का रिजल्ट आता है हमारे सामने, सिनगैमी से हमारे सामने क्या फॉर्म होता है, यानी कि सिनगैमी से आगे क्या बनता है, जायगोट। जायगोट यहाँ पे एज ए ऊस्पोर है, ठीक है। अब ये एंडोस्पर्म जो होता है वो जायगोट को क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन दे के जो जायगोट है वो बेसिकली अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, जायगोट आगे कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से आगे क्या बनता है, सीड, और सीड आगे क्या करता है, जर्मिनेशन करता है, ठीक है। और जर्मिनेशन करके वापस से क्या बना देगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। तो आप देखोगे इस तरीके से हमारे सामने एक कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है वो एंजियोस्पर्म का देखने को मिलता है, ठीक है। एक कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है हमारे सामने यहाँ पे बना हुआ है एंजियोस्पर्म का, जिसके अंदर हमें दिख रहा है कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उससे फ्लावर से स्टैमन, कार्पेल, पोलन सेक, ओव्यूल, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, देन आपस में फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी, ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्म, जायगोट, देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और एम्ब्रियो हमें पता है दो टाइप के हो सकते हैं, डाइकोट एम्ब्रियो और एक मोनोकोट एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक कंप्लीट आउटलाइनिंग देखने को मिल रही है किसकी, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, जो हमने इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट पढ़ा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इनके अंदर डिवीजन की बात करें, इनको अलग करें, तो हमारे सामने जो ये इतना फिनोमिना आता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन जो कहलाता है वो सारा का सारा हैप्लोइड फॉर्म है। और हैप्लोइड फॉर्म को हम क्या, कौन सी स्टेज बोलते हैं, यानी कि ये वाला जो स्टेज है वो कौन सा है, गैमेटोफाइट, यानी कि हैप्लोइड। और जो ऊपर का जो पोर्शन हमारे सामने दिख रहा है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये होता है डिप्लोइड, ठीक है, यानी कि 2n, यानी कि स्पोरोफाइट 2n। तो इस तरीके से हमारे पास एक एंजियोस्पर्म, कंप्लीट एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, गैमेटोफाइट्स भी देखने को मिलते हैं और स्पोरोफाइट स्टेज भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमारे सामने सारी चीज़ें फॉर्म हो चुकी है। हमने जो जायगोट है उस जायगोट से क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया। और हमें पता है एम्ब्रियो जो है वो दो टाइप के हमने देखे, एक तो डाइकोट एम्ब्रियो देखा और एक मोनोकोट एम्ब्रियो देखा, ठीक है। मोनोकोट के अंदर हम लोगों ने सारी स्ट्रक्चर भी एनालाइज की और डाइकोट का पूरा डेवलपमेंट देखा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है सीड, ठीक है। तो सीड के बारे में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सीड, ठीक है। तो सीड बेसिकली एम्ब्रियो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, और
जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो उनको कवर करके रखते हैं, तो उनको सीड कोट बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सीड है इसका डेवलपमेंट, तो हमें पता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बाद होने लग गया था क्योंकि एंडोस्पर्म और वो बने थे, लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि सीड जो है उसका डिस्पर्जन कैसा होगा, सीड कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंडोस्पर्म जो होता है वो कुछ सीड में प्रेजेंट होता है, कुछ के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि हमें देखना है कि जो सीड की प्रेजेंस है वो कैसी देखने को मिल रही है, वो सीड जो है वो एंडोस्पर्मिक है या नॉन एंडोस्पर्मिक है, सीड का जो वाइबिलिटी पीरियड है वो कैसा होता है, ठीक है, सीड में डिस्पर्जन है वो किस तरीके से होते हैं, सीड जो जर्मिनेट करता है तो वो किस तरीके से जर्मिनेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंजियोस्पर्मिक सीड के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्मिक सीड। ठीक है, यानी कि एंजियोस्पर्मिक सीड, तो बेसिकली सीड की डेफिनेशन में आपको पहली डेफिनेशन बताऊं तो आप बोल सकते हो कि एक राइपेंड जो ओव्यूल है इज नोन एज ए सीड। ठीक है, वहीं हमारे सामने एक और डेफिनेशन भी आती है, वो आती है कि सीड इज ए मैच्योर फर्टिलाइज्ड इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए, यानी कि मेगास्पोरेंजियम का मतलब यहाँ पे किससे है, ओव्यूल से है। ठीक है, तो इस तरह की जो डेफिनेशन है वो हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें एक टिपिकल मैच्योर सीड की, तो एक टिपिकल मैच्योर सीड के अंदर हमारे पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट, पहला, दूसरा और तीसरा। जो फर्स्ट पार्ट हमारे सामने आता है वो होता है सीड कोट, दूसरा पार्ट एम्ब्रियो, ठीक है, और तीसरा पार्ट होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से अरेंज्ड होती हैं, किस तरीके से प्रेजेंट होती है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं और इनके बेसिस पे हम लोग कैसे एक जो एंजियोस्पर्मिक सीड है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आपके क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी आपको सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना है, इनकी सीड है डिफाइन किस तरीके से किया गया है एंजियोस्पर्मिक सीड को, और किस तरीके से हम इनको डिवाइड करेंगे, इनको क्लासिफाई करेंगे, इनकी वायबिलिटी देखेंगे, इनकी डोरमेंसी स्टेज देखेंगे कि सीड की डोरमेंसी स्टेज भी हमारे सामने होती है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। आज के लिए आपको सिर्फ डेवलपमेंट देखना है डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में। सो नेक्स्ट क्लास में सीड एंजियोस्पर्मिक सीड के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।